कन्हैयालाल के हत्यारों की जयपुर एनआईए कोर्ट में पेशी। अदालत ने 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा। गुस्साई भीड़ ने चारों आरोपियों की धुनाई की। एक आरोपी के फाड़े कपड़े। महाराष्ट्र के अमरावती में उदयपुर जैसी हत्या में 6 आरोपी गिरफ्तार। आतंकी एंगल से एटीएस की जांच के संकेत। गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपी मामले की जांच। उदयपुर कन्हैयालाल मर्डर केस में चश्मदीद का खुलासा। लगातार मिली धमकियां। व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो डालकर रची गई साजिश। हैदराबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक। समापन सत्र में पीएम मोदी का होगा संबोधन। पेश होंगे कई प्रस्ताव। वंशवाद पर प्रहार के बहाने अमित शाह का कांग्रेस और टीआरएस पर वार। महाराष्ट्र में अब स्पीकर को लेकर सियासी लड़ाई। शिवसेना के उम्मीदवार रंजन सालवे का बीजेपी के राहुल नार्वेकर से सामना। 3 जुलाई को विधानसभा में वोटिंग। एआरसीपी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों की बैठक। कहा पीएम मोदी अगर शिवराज सिंह को एक फोन कर दे तो राजस्थान का काम तुरंत हो सकता। दौसा प्रोजेक्ट बंद करने की अफवाह चली। स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। दिल्ली से जबलपुर जा रहा था स्पाइस जेट का विमान। विमान के केबिन में धुआं उठने के बाद मचा हड़कंप। 5000 फीट की ऊंचाई पर था विमान। विमान को वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करवाया गया। महाराष्ट्र सीएम शिंदे डिप्टी सीएम फडणवीस की हुई बैठक। सीएम शिंदे डिप्टी सीएम फडणवीस की बैठक में मंत्रालयों के बंटवारों को लेकर चर्चा। ईरान में शनिवार देर रात करीब 1:32 पर भूकंप के तेज झटके लगे। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई। बताया जा रहा भूकंप के बाद करीब 3 लोगों की मौत हो गई। भूकंप के झटके यूएई में भी महसूस किए गए। मणिपुर भूस्खलन में अब तक 81 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 18 टेरिटोरियल आर्मी जवान के शवों का रेस्क्यू किया गया है। यहां बड़े पैमाने पर बचाव कार्य जारी है। इस बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने मंत्रियों के साथ घटनास्थल का दौरा किया और बचाव अभियान की समीक्षा की। सीएम एन बीरेन सिंह ने मणिपुर भूस्खलन में मरने वालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मुआवजे की घोषणा की और इस घटना को सबसे दर्दनाक हादसा बताया। वहीं अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एक और जहां देश के ज्यादातर हिस्सों में अग्निपथ योजना का विरोध देखा गया वहीं अब भारतीय सेना और नौसेना के अग्निपथ योजना के तहत अपनी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने भर्ती प्रक्रिया की जानकारी दी। असम में बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया। यहां दिनों दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहां अब तक 173 लोगों की जान जा चुकी है जबकि 30 जिलों में करीब 22 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित है। यहां बीते दिन बाढ़ की वजह से 14 और लोगों की मौत हो गई। असम में बाढ़ से सबसे भयावह हालत कछार जिले में है। यहां सिलचर शहर के कई हिस्से पानी में डूब गए। वहीं ब्रह्मपुत्र बेकी कोपिली और कुशियारा जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालांकि अभी अधिकांश नदियों का बहाव कम हो रहा है। देश के ज्यादातर राज्यों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून एक्टिव हो गया है। जिन इलाकों में अब तक मॉनसून नहीं पहुंचा है अगले कुछ दिनों में वहां भी मॉनसून की एंट्री हो जाएगी। मुंबई और राजस्थान में झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी लखनऊ के कुछ इलाकों में शनिवार को छुटपुट बूंदाबांदी हुई। आज पूर्वांचल और पश्चिम के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। 4 जुलाई से यूपी में फिर झमाझम बारिश शुरू होगी। देश में कोरोना महामारी ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। पिछले 24 घंटे में 17,092 नए केस सामने आए जबकि 14,566 मरीज कोरोना से ठीक हो गए जबकि 29 संक्रमितों की मौत हो गई। केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। यहां कोरोना के 3,904 नए पॉजिटिव केस सामने आए वहीं 15 संक्रमितों ने अपनी जान गंवा दी। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,249 नए केस सामने आए वहीं 4,189 मरीज ठीक हो गए जबकि 4 मरीजों की मौत हो गई। केरल महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा कोरोना मामले तमिलनाडु से आ रही हैं। यहां पिछले 24 घंटे में 2,385 नए मामले सामने आए वहीं 1,321 मरीज ठीक हुए। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। इस यात्रा के लिए प्रशासन ने कड़े नियम बनाए हैं। नागरिकों और दुकानदारों के लिए RFID टैग जरूरी कर दिया है। इस टैग से हर यात्री की लोकेशन ट्रैक की जाएगी। उदयपुर में कर्फ्यू की पाबंदियों में राहत। 12 बजे से 4 बजे तक की ढील। तो विरोध में कोटा करौली अजमेर जालौर और अलवर के बाजार आज बंद। बांसवाड़ा के बागीदौरा एटीएम उखाड़ ले गए बदमाश। गार्ड को बनाया बंधक। अब पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज।
जालौर में रोडवेज बस ट्रक की भीषण भिड़ंत, हादसे में ट्रक चालक और एक बच्ची की मौत, घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। और समूची मरुधरा पर छाया मॉनसून, अजमेर समेत 17 शहरों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जयपुर सीकर और हनुमानगढ़ में हुई जोरदार बारिश। धौलपुर में माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज का सम्मान समारोह का आयोजित हुआ, न्यायिक अधिकारी डॉक्टर नीरू सोनी मुख्य अतिथि रहे। डॉक्टर नीरू सोनी ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज के विकास में बहुत बड़ी सहायक होती है। कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर धौलपुर में व्यापारी संगठन ने की आरोपियों की सजा देने की मांग, बजरंग दल ने किया पत्रकार वार्ता का आयोजन, वहीं व्यापारियों ने की धौलपुर बंद की मांग। उदयपुर हत्याकांड को लेकर मकराना शहर रहा बंद, पंचायत समिति मैदान में किया विरोध प्रदर्शन, इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत समेत मुस्लिम अखिलियत जमात के अन्य लोग रहे मौजूद। राजसमंद में हेल्दी लीवर कैंपेन को संचालित किया जा रहा, जिसके तहत सभी विभागों के सहयोग से गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने जानकारी दी। कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर झुंझुनू का बुहाना रहा बंद, भाजपा नेता सतीश गजराज के नेतृत्व में रैली निकालकर फांसी की मांग की, साथ ही राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर हनुमानगढ़ का रावतसर बंद रहा, लोगों ने आक्रोश रैली निकालकर सख्त सजा की मांग की, इस दौरान DYSP पूनम चौहान सहित अन्य अधिकारी मॉनिटरिंग करते नजर आए। अजमेर के ब्यावर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा समिति की ओर से सांकेतिक तौर पर रथ यात्रा का आयोजन हुआ, भगवान जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा को सूरज पोल गेट बाहर स्थित बांके बिहारी मंदिर तक पहुंचाया, रथ यात्रा में सीमित संख्या में भक्तों ने शिरकत की। भारी बारिश ने खोली बालोतरा नगर परिषद के ड्रेनेज सिस्टम की पोल, नालों की सफाई नहीं होने से सड़कों पर पानी भरा, नालों के पेरो कवर खुलने से हादसे की आशंका बनी है। राजस्थान पटवार संघ जिला शाखा ब्यावर का तहसीलदार बेनी प्रसाद के खिलाफ दिया जा रहा धरना समाप्त, जिला कलेक्टर अजमेर की मध्यस्थता में तहसीलदार और पटवार संघ में वार्ता सफल हुई, पटवारियों की सभी मांगे मान ली गई। ब्यावर शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में दोपहर बाद से शुरू हुआ बारिश का दौर शनिवार को भी दिन भर जारी रहा, शहर की सड़कों पर तेज गति के साथ पानी बहता रहा, अच्छी बारिश के कारण किसानों के चेहरे खिल उठे। राजसमंद के राजनगर थाना पुलिस ने ATM कार्ड बदलकर बैंक खातों से लाखों रुपए उड़ाने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया, आरोपी ज्वाला प्रसाद निवासी मुहंगाना पकड़ा है, पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है, जिससे और भी कई वारदात खुलने की संभावना है। कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में अजमेर के मसूदा में बाजार बंद रहे, व्यापारी संगठनों और सर्व समाज ने बंद बुलाया था, वहीं आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे और पुलिस जाब्ता तैनात रहा। जोधपुर के फलौदी के घटियाली में प्लांट का आपसी विवाद, घटना को सांप्रदायिक रंग देने का लोगों ने किया प्रयास, मौके पर 4 थानों की पुलिस तैनात, वहीं झगड़े में 2 लोग घायल, ASP ATM और CO मौके पर रहे मौजूद। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में 12 के अंत में कस्बा बंद रहा, दूसरी ओर बंद करने को लेकर हिंदू संगठनों ने बाइक रैली निकाली, जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता SP कल्याणमल मीणा भी शहर के दौरे पर रहे। समदड़ी में ग्राम विकास अधिकारी संघ के चुनाव हुए, अध्यक्ष पद पर माधो सिंह चंपावत चुने गए, उपाध्यक्ष विजय कुमार, महामंत्री जितेंद्र कुमार और कोषाध्यक्ष कृष्ण सिंह बने हैं। सीकर में तीसरे दिन भी बारिश का दौर जारी, भारी बारिश के चलते कई कस्बों में जल भराव हुआ, जिसके चलते आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बांसवाड़ा के बागीदौरा में छीच कस्बे से चोर ATM उखाड़ कर ले गए, चोरों ने पहले गार्ड को रस्सी से बांधकर बंधक बनाया, बाद में ATM काट कर ले गए, कलिंजुरा थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया, पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। जोधपुर वासियों को झमाझम बारिश का इंतजार है, ग्रामीण इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, लोग गर्मी और उमस से बेहाल हो रहे हैं, लोगों को मानसून की अच्छी बारिश का बेसब्री से इंतजार है। जालौर में लेटा के पास रोडवेज बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें मासूम बच्ची सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि बस सवार 24 यात्री घायल हो गए, पुलिस ने घायलों को ट्रोमा सेंटर और राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया। जयपुर में इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के सहयोग से आयोजित सम्मेलन के मुख्य अतिथि राज्यपाल कलराज मिश्र रहे, समारोह में राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास भी मौजूद रहे। अगर शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखना है तो जनता को पुलिस का सहयोग करना होगा, ये कहना है उदयपुर के नए पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा का। विकास शर्मा ने उदयपुर SP के पद पर ज्वाइनिंग कर पुलिस अधिकारियों की मीटिंग ली।
जैसलमेर के अमरसागर गांव की भील बस्ती के सरकारी स्कूल भवन में स्कूल का संचालन नहीं हो रहा। स्कूल की कक्षाओं में चारा भरा हुआ है, जबकि विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए पंचायत भवन में जाना पड़ रहा है। भूमाफिया धीरे धीरे स्कूल की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में कोटा बंद है। घंटाघर और मकबरा बाजार में मुस्लिम समुदाय के दुकानदारों ने दुकानें बंद रखकर हत्याकांड की निंदा की। दुकानदारों का कहना है कि जिंदगी और मौत देना सिर्फ ईश्वर के हाथों में है। सिरोही के पास निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का जायजा विधायक संयम लोढ़ा ने लिया। इस मौके पर विधायक ने अधिकारियों के साथ मेडिकल कॉलेज परिसर में घूम घूम कर निरीक्षण किया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि अकेडमिक ब्लॉक में अंडरग्राउंड और ग्राउंड फ्लोर का कार्य पूरा हो गया। नागौर में कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में मकराना, बोरावड, लाडनू, निम्बी, जोधा और रियाबड़ी पूरी तरह से रहे बंद। नागौर जिले में लगातार तीसरे दिन भी इस घटना को लेकर विरोध जारी है। अलवर में महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही विवादों में घिरी नजर आ रही है। प्रवेश के लिए लॉटरी निकालने की तिथि बार बार बदली जाने से लोगों में रोष। पूर्व पार्षद नथरीलाल सेन सहित अन्य लोगों ने प्रवेश प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगाए। रायसिंह नगर के बस स्टैंड रोड पर कार की साइड को लेकर जमकर मारपीट हो गई। वहीं सड़क पर सरेआम गुंडागर्दी देखने को मिली। गाड़ी की साइड को लेकर एक कार में सवार चार लोगों ने अन्य कार में सवार दो जनों से मारपीट की। नागौर के खेवसर में अनियंत्रित होकर बाइक फिसलने से बाइक सवार युवक घायल हुआ। घायल युवक को एम्बुलेंस की मदद से पहुंचाया गया अस्पताल। महुआ में डॉक्टर्स डे पर लॉयंस क्लब की ओर से डॉक्टर और पत्रकार का सम्मान हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों ने गणेश प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। डॉक्टर अशोक जैन सहित अन्य गणमान्य रहे मौजूद। उदयपुर हत्याकांड को लेकर झुंझुनू के पचेरी में बाजार रहे बंद। मेडिकल सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान रहे बंद। वहीं थाना अधिकारी बनवारी लाल यादव के नेतृत्व में पुलिस जाप्ता रहा तैनात। सिरोही के आबू रोड सदर बाजार में मकान का छज्जा गिरा। बारिश के चलते आवाजाही नहीं होने से टला बड़ा हादसा। शहर की बिजली आपूर्ति हुई बंद। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। सिरोही जिले के पुलिस बेड़े को एक बार फिर निर्देशित करेंगी महिला पुलिस कप्तान। आईपीएस ममता गुप्ता को सिरोही एसपी के पद पर नियुक्त किया। वहीं सिरोही के एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव को धौलपुर जिले में ट्रांसफर किया। कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में विभिन्न हिंदूवादी संगठनों ने नोहर बंद का आह्वान किया। इसके तहत कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। रियाबड़ी में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने किया वृक्षारोपण। उपखंड कार्यालय परिसर और तहसील कार्यालय में किया वृक्षारोपण। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में बूंदी का कापरेन बंद रहा। इस दौरान आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई। वहीं बंद को लेकर प्रशासन अलर्ट रहा और पुलिस उपाधीक्षक और एसडीएम ने शहर का जायजा लिया। पाली के देसरी में अवैध रूप से शराब सप्लाई कर रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया और युवक के पास से 18 कार्टन शराब भी जब्त की। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। उदयपुर हत्याकांड को लेकर झुंझुनू के खेतड़ी में बाजार बंद रहे। पूर्व विधायक दाताराम गुर्जर ने बंद को समर्थन दिया और हत्यारों को फांसी की सजा की मांग की। वहीं खेतड़ी थाना अधिकारी के नेतृत्व में पुलिसकर्मी रहे तैनात। कोटा के इटावा में दो कारों और एक बाइक में टक्कर हो गई। घटना में बाइक सवार और एक कार चालक गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं चिकित्सकों ने जांच के बाद कार चालक को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल बाइक चालक को कोटा रेफर किया गया। कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में हिंदू संगठनों के आह्वान पर लाडनू रहा बंद। वहीं लाडनू सीआई के नेतृत्व में पुलिस जाप्ता रहा तैनात। वहीं प्रशासन ने आमजन से शांति की अपील की। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में कोटा का सुल्तानपुर पूर्ण रूप से बंद रहा। बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं व्यापार संघ के अध्यक्ष विष्णु गोस्वामी ने उदयपुर घटनाक्रम को निंदनीय बताया। उदयपुर की घटना को लेकर सीकर का लक्ष्मणगढ़ रहा बंद। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद सहित भाजपा कार्यकर्ता बाजार में नजर आए, साथ ही पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। प्रतापगढ़ के देवगढ़ में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा के दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। राम मोहल्ला, सूरजपोल आदि इलाकों से होकर रथ यात्रा का समापन ठाकुर रामचंद्र मंदिर रघुनाथ महल में हुआ। किशनगढ़ में हिंदू समाज के आह्वान पर उदयपुर हत्याकांड के विरोध में आवश्यक सेवाओं को छोड़ बाजार बंद। पुलिस अधिकारियों ने किशनगढ़ की स्थिति का जायजा लिया। भीलवाड़ा के कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन, इस दौरान 7 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 2249 परीक्षार्थी शामिल हुए।
जालौर के सांचौर सहित कई जगह मूसलाधार बारिश हुई, जिसमें लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं किसानों को इस बार अच्छे मानसून की आस है। डूंगरपुर में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की पंचशाला योजना में पंचायतों की तस्वीर बदलेगी। योजना में पंचायतों में नर्सरी और न्यूट्री गार्डन विकसित होंगे। वहीं केटल शेड के निर्माण के साथ बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्शन सेंटर का निर्माण होगा। कोटा बंद के बीच कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन। इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। साथ ही बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों के लिए अलग से हेल्प डेस्क भी बनाई गई। डूंगरपुर में रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में लगी आग। मौके पर पहुंची दो दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हुआ। कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में भेरुंदा में बाजार रहे बंद। वहीं एसडीएम गौरीशंकर शर्मा को ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। भेरुंदा प्रधान जसवंत सिंह निम्बोला और बिस्वा सरपंच सहित अन्य रहे मौजूद। डूंगरपुर के वर्धा में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। युवक के परिजन हो गए थे किसी धार्मिक कार्यक्रम में गए थे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शुरू की मामले की जांच। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में अजमेर के भिनाय में बाजार बंद रहे। हिंदू संगठनों के आह्वान पर किया गया बंद। वहीं कन्हैयालाल को दी गई श्रद्धांजलि। जैसलमेर के रांचना में एंटीना लगा हुआ गुब्बारा मिला। खेत में गुब्बारे के गिरने पर किसानों ने पुलिस को सूचना दी। प्रथम दृष्टया मौसम विभाग का लगने वाला गुब्बारा, इसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। सीकर के अजीतगढ़ में उदयपुर हत्याकांड के विरोध में बाजार बंद। हिंदू संगठनों के आह्वान पर किया गया बंद। बंद के दौरान पुलिस जाब्ता रहा तैनात। जोधपुर के आसोक में हुई तेज मूसलाधार बारिश से दुकानों में पानी भरा। नाला जाम होने के कारण बस स्टैंड के पास दुकानों में भरा गंदा पानी। बारिश के पानी से दुकान में रखा सामान खराब हो गया। अलवर में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजनों ने कुंडी तोड़कर शव को नीचे उतारा। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। कोटा के सुल्तानपुर में हिंदू समाज और व्यापार महासंघ की ओर से उप तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार अनीता सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। प्रतापगढ़ के हाउसिंग बोर्ड स्थित सामुदायिक भवन में कल्याणकारी प्रवचन माला का आयोजन किया गया। इस दौरान जैन साध्वी धैर्य निधिश्री ने व्यक्त किए विचार। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। झुंझुनू में उदयपुर घटना के विरोध में मुकुंदगढ़ मंडी बाजार रहा बंद। हत्याकांड के आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की गई। बाजार बंद का फैसला व्यापार मंडल अध्यक्ष पवन पंचलंगिया की अध्यक्षता में हुआ। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में बारह का अंता कस्बा बंद रहा। सर्व हिंदू समाज की ओर से बंद का आह्वान किया गया। इस दौरान महारैली निकालकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। 14 मई को आयोजित कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद अजमेर में परीक्षा आयोजित की गई। सुबह 7 बजे तक परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी पहुंच चुके थे। कड़ी जांच के बाद परीक्षार्थियों को केंद्रों पर प्रवेश दिया गया। साथ ही अजमेर एसपी चूनाराम जाट ने परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। उदयपुर हत्याकांड के मामले में आज सर्व समाज के आह्वान पर अलवर बंद रखा गया। शहर के बाजार पूरी तरह से बंद रहे। वहीं अलवर बंद को शहर के सभी व्यापारिक संगठनों और सामाजिक संगठनों ने समर्थन दिया। अलवर के किशनगढ़ बास में सड़क हादसा हो गया। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। कार का संतुलन बिगड़ने से यह भीषण हादसा हुआ। किशनगढ़ बास के गांव घाट बम्बोरा के पास कार का संतुलन बिगड़ने से कार कई बार पलटी खाते हुए पलट गई। बूंदी के हरिपुरा गांव में रथ यात्रा के दौरान 400 साल पुरानी परंपरा निभाई गई। मॉनसून कैसा रहेगा, इसको लेकर अकाल या सुकाल का पता लगाने के लिए तनी चढ़ाने की परंपरा निभाई गई। इस बार भगवान चार भुजा नाथ की ओर से रस्सी में तनाव आया। इससे ग्रामीणों का मानना है इस बार मॉनसून अच्छा रहेगा। जैसलमेर के पोखरण में लोक देवता बाबा रामदेव के 637वें भादवा मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कोरोना काल के बाद पहली बार रूणीचा धाम में आयोजित होने वाले बाबा रामदेव मेले के प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में करौली जिला बंद आह्वान का व्यापक असर नजर आया। जिला मुख्यालय पर बंद पूरी तरह से सफल रहा। विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने बंद को स्वैच्छिक समर्थन दिया और बाजार में दुकान प्रतिष्ठान बंद नहीं खुले।
उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर कोटा में बंद का आह्वान किया गया। सर्व समाज की तरफ से बंद रखा गया। बंद को व्यापारिक सामाजिक संगठनों और बीजेपी समेत कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिला।